नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज नरेंद्र कुमार। मामू की क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जय फ्रेंड, आज बेसिकली आपको पढ़ाने वाला हूँ अति लघु उत्तरीय। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले एक वीडियो मैंने और ऑलरेडी बना दिया है पार्ट वन, जो कि नोट टाइप से है, तो उसका आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको बड़े आराम से वहां से वॉच कर सकते हैं। पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद उस वीडियो को भी आप देख लेना। तो मैं आपको बताने वाला हूं आज अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी आपको जो है फिजिक्स का अति लघु क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल ट्रिक से मैं करवाने वाला हूं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में अगर वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको जो है आधे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आधे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कहता हूं बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को वॉच करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अगर वीडियो में आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, देन बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगा। फ्रेंड, तो चलिए मैं अपने व्हाइट बोर्ड पर ले चलता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूं। पहले नंबर वन पर आता है फिजिक्स, फिर उसके केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। नंबर वन पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में मैंने पहले बहुविकल्प क्वेश्चन करवा दिया है और उसके बाद मैं अब अति लघु क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे चीज ऐसे लिख लिया है जो कि आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर से मैच करके भी दिखाऊंगा और आपको सारे कुछ यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लिख लिया है जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है अति लघु प्रश्न और पार्ट टू है। पार्ट वन में मैंने बहुविकल्पीय क्वेश्चन करवाया, पार्ट टू में आपको मैं अति लघु प्रश्न उत्तरे करवाने वाला हूँ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मैं क्लियर करने वाला हूँ। और यहाँ पर मैंने और भी कुछ लिख लिया है, सब्जेक्ट फिजिक्स नोट्स पेपर आपका जो है 2021 में ये क्वेश्चन 101% आने वाला है। फ्रेंड, आपको मैं इसको इस प्रकार से बता रहा हूँ ताकि ये आएगा ही आएगा, और आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कौन कौन क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है और कौन कौन क्वेश्चन नहीं आया है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो देख लीजिए, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, गोले दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है, या क्या है या संबंध बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है सिंपली गोले दर्पण की फोकस दूरी, उत्तर में लिखा है यानी आंसर में गोले दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में, वक्र त्रिज्या की आधी होती है, यानी F=R/2। आपको क्या करना है, पहले हिंदी लिख लेना है, उसके नीचे आपको फॉर्मूला नीचे लिख देना है। फ्रेंड, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि जो है बोर्ड पर मेरा कवर हो सके, चार पांच क्वेश्चन, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है। और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर टू में मैंने इस प्रकार से लिखा है, जैसे देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको सिंपली क्या करनी है, देखिए, अगर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो अवतल के लिए क्या हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। तो -40 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, तो किसके लिए, वक्रता त्रिज्या R=-40 सेंटीमीटर, जैसे कि मैंने ये लिख लिया। इसके बाद देखिए क्या है, आपको हल कर देनी यहीं से, और इसके बाद देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एफ निकालना है। तो सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला यहाँ से देखिए, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख लिया क्वेश्चन नंबर वन में जो था, वही फॉर्मूला में यूज कर देनी है। तो कैसे करना है आपको, F=R/2, तो R का मान कितना, -40/2 कर देने, तो 2 से काट दीजिए, 20 बार में कट जाएगा, -20 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको बढ़िया तरीके से ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर थ्री में मैंने इस प्रकार से करवाया है, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है, यानी किस रंग की प्रकाश जो है, जो किसी रंग की प्रकाश, जैसे अपवर्तनांक किसी का अधिक हो जाता है, किसी का कम हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम मान होता है, यानी बैंगनी रंग अधिकतम जैसे प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, तो हमारा बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए होता है अधिकतम, और न्यूनतम मान के लिए क्या होता है, लाल रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम लेते हैं। फ्रेंड, तो आपको रंगों के भी पता होना चाहिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने करवाया है। क्वेश्चन नंबर चलिए फोर की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से क्लियर करने वाला हूँ। बिल्कुल स्किप वीडियो को मत करना है और लास्ट तक देखते रहना है, तभी जाकर के समझ में आ जाएगा। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी आज का वीडियो इतना क्लियर नहीं आएगा, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बढ़िया से समझा सकूं। मैंने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 तक क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने इस प्रकार से लिखा है, अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण सी में क्या संबंध है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला लिख देना है, यानी N=1/sin C होता है। ये वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 में है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, या लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, या लेंस की क्षमता में संबंध बताइए, और लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड की एग्जाम में। तो आपको क्या करनी है, लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है पी बराबर 1/f मीटर में। अगर सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स है, किस लेंस में वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई में 1:4 का अनुपात है, इस दशा में यू तथा वी में अनुपात बताइए। आपको क्या करना है, यू तथा वी में अनुपात बताना है। तो हमें सबसे पहले ये देख लेना है वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब। तो वस्तु की लंबाई के लिए क्या हो जाएगा, आपको पता है वस्तु की लंबाई के लिए देखिए, अगर दूरी के लिए कहा जाए तो यू प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अनुसार, तो इसका अनुपात हो जाएगा u अनुपात v = 4:1 हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा फ्रेंड। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी कर लेना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो आपको ये चीज फाइंड करना पड़ेगा कि किस रंग की प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग की प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है और बैंगनी रंग की प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर क्या करा है, अधिक होता है किसका, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग की प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये दो चीज आपको बढ़िया से याद कर लेनी है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है, यानी सारी क्वेश्चन बढ़िया से याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन जितने भी आते हैं ये 6 नंबर के क्वेश्चन, यानी 2-2 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर के, जो कि 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और यानी 3 क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के। ये सारे क्वेश्चन आप बढ़िया से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो देख लीजिए मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है वो क्वेश्चन जैसा कि देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मिल जाएंगे जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है। तो इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाया है वो सारे क्वेश्चन क्या है, जैसे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता निकालनी है, यानी पी का मान निकाल देनी है। तो जो क्वेश्चन मैंने इसमें करवा दिया है वो क्वेश्चन भी आ रहे हैं फ्रेंड, और इसके बाद अदरवाइज इस प्रकार से जो क्वेश्चन करवाऊं ये भी क्वेश्चन इससे अटैच होता है, यानी कि मिलता जुलता क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन को बढ़िया से अपने नोट कॉपी में नोट कर लेनी है, ताकि सभी क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ जाएंगे। अगर अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप तो फिर समझ जाइए कि 80% से ऊपर आपके परसेंटेज बनना मतलब कि कम हो जाएंगे। इसलिए कहता हूँ जितने भी मैं नोट्स बाई क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया से देख लेनी है, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि मैं पार्ट 2 में आपको पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ, अति लघु पूरा फिजिक्स का कंप्लीट करवा दूंगा, अति लघु जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देख लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में इस प्रकार से लिखा है, जैसे आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं, धारा को आई से, और समय को टी से यानी डिनोट करते हैं, तो संबंध बताइए, यानी संबंध लिखिए। तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिख देना है, q = i × t होता है, यानी q को आवेश से, i को धारा से, और t को समय से हम डिनोट करते हैं यानी मानते हैं, तो q = i t हो गया, ये कम्प्लीट हो जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तांबे के एक तार से होकर 50×10^18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित हो रही है, यानी हो रहे हैं, तो चालक में धारा की मान ज्ञात कीजिए। चालक में धारा की मान ज्ञात करने का मतलब होता है i = इसके बारे में हमें लिखना है। कैसे लिखना है तो देखिए, मैं सिंपली इसको मैं हल करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लिये i = क्या हो जाएगा, यानी 50, तो यहाँ पर लिख दीजिए 50×10^18 लिख लिया। इसके बाद मैं बीच में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए i = 50×10^18 हो गया, इसके बाद फॉर्मूला होता है e = इसका मान होता है इलेक्ट्रॉन का मान 1.6×10^-19 कूलम होता है। तो आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 1.6×10^-19। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए क्या है, 16×5=80, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 16 को इस साइड कर दीजिए, 16×5=80 हो जाएगा, तो 80 हो गया, 80 मल्टीप्लाई, यानी देखिए 10 और ये 19 है, तो एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस ज्यादा 19 की पावर है तो माइनस का 19 हो जाएगा। इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, तो यही छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आपको इसको आगे भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर यही छोड़ देते हैं, और ये क्लियर हो चुका है, इसका आंसर इतना ही होगा। और आई को हम किससे डिनोट करते हैं, एम्पियर से, तो आई का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। आपको बढ़िया से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देते हैं। नंबर 10 मैंने इस प्रकार से लिखा है, जैसे कि ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया है,
दो फॉर्मूला लिखा है, नंबर वन पर लिखा है मैंने श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होता है। ये दोनों फॉर्मूला आपको बढ़िया से याद कर लेनी है। दूसरा है समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, आर वन अपन आर इज इक्वल टू वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू प्लस वन अपन आर थ्री, प्लस प्लस लगा देनी आपको बीच में। ये क्या करनी है, ये फॉर्मूला आपको याद है तो आपको कोई सा भी यानी कि चित्र वाले सवाल आ जाए, इस प्रकार से कोई सा भी सवाल आ जाए तो आप बड़े आराम से हल कर सकते हैं। तो कैसे हल करना है देखिए, मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ। जैसे देखिए ये है, मतलब कि ऊपर नीचे जब आने लगा तो ऊपर नीचे आने लगता है तो कौन सा क्रम में होता है, अगर ऊपर नीचे हो गया, ऊपर नीचे तार, एक नीचे तार एक ऊपर ऊपर तार, तो इसको हम दोनों को एक साथ करना है, कंबाइंड करके जोड़ना है, तो कौन सी इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाता है ऊपर नीचे वाला समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तो हमें क्या करना है, दो ओम व दो ओम कौन सा क्रम में है, यानी दो ओम व दो ओम कौन सा क्रम है, समांतर क्रम में, समांतर समांतर क्रम में है, क्रम में है। तो फिर क्या करना है, दो ओम व दो ओम कौन से समांतर क्रम में है, तो सिंपली क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन दो लिख दीजिए, प्लस वन अपॉन दो लिख देना है। आगे मैं कर लेता हूं, दो और दो कितने हो जाएंगे, दो और दो का एलसीएम दो, तो बचेगा दो बट्टे दो, तो दो से दो काट देंगे तो दो एकम दो, यानी कि ये हो जाएगा आर वन इज इक्वल टू वन ओम हो गया, यानी आर वन का मान कितना आ गया मेरे पास, वन। ये जो हमने लिखा है समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है, तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से हल कर लेना है, R इज इक्वल टू वन ओम आ चुका। आप क्या करेंगे, वन ओम, ये दोनों टोटल कितना बन गया, वन, वन और टू कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम में होता है फॉर्मूला आर वन प्लस आर टू, जोड़ देनी है। तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है, श्रेणी का, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का होता है आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, तो आर वन का मान कितना है, टू है, टू प्लस वन, तो कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू थ्री ओम, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, थ्री ओम आंसर, रियल में आंसर थ्री ओम है। तो देखिए ए और बी के मध्य दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, थ्री ओम आएगा फ्रेंड। तो आपको समझ में आ चुका होगा फ्रेंड, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं इस दर से आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, अगर उस साइड चला जाता हूँ तो इतना वीडियो क्लियर नहीं हो पाती, इसलिए मैं साइड से ही वीडियो आपको बनाता हूँ ताकि बोर्ड पर आपको बिल्कुल बढ़िया से चमके। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, या इसका परिभाषा बताइए या दीजिए। तो आपको क्या करना है, दोनों एक ही नाम है, दोनों एक नाम है और दोनों का फॉर्म यानी सूत्र यानी फॉर्मूला जो है एक ही है। तो देखिए मैंने क्या लिखा, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने का यानी खर्च होने के दर को विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने करवा दिया, ये क्वेश्चन को कम्प्लीट कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 13 लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, पी बराबर वी इंटू आई होता है, यानी पी को हम क्या बोलते हैं, पी से हम डिनोट करते हैं किसको, जैसे बोल्ट, वी से बोल्ट हो गया, और पी हो गया हमारा जैसे कि जैसे बाट हो गया, पी से बाट को, और आई से एम्पियर को डिनोट करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 250 वोल्ट और 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 50 यानी 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में बल्ब जलता है, तो आपको लगता नहीं है कि कितना बल्ब हमारे घर में जलता है और कितना बिजली खपत होता है, कितना बिजली आता है, सबका हिसाब आप रख सकते हैं अपने हाथों में। बस ये सवाल आप सीख लेने, एक बार सीख लेते हैं तो बार बार करने की आदत से बन जाएगी और ये चुटकी बजाते ही आपका हल हो जाएगा। तो देखिए सिंपली क्या करना है, वी से वोल्ट होता है, वोल्ट इज इक्वल टू 250 लिख लिया, आई का मतलब होता है एम्पियर, 5 एम्पियर लिख लिया, पी इज इक्वल टू हो गया वाट यानी 25 वाट लिख लिया। यहाँ पर आपको एक चीज समझ में नहीं आ रहा होगा कि एन क्यों लिखा, तो एन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि फ्यूज यानी हमें किसका मान निकालना है, कितने बल्ब जला, तो हमने यहाँ पर एन लिख लिया, यानी यहाँ पर आप 25 एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी, कुछ भी लिख सकते हैं इसके साथ, ठीक है। तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, तो देखिए N P का मान कितना है, N इंटू 25 बराबर 200, वोल्ट का मान 250 इंटू आई का मान एम्पियर का मान 5 है। तो आपको क्या करना है, N का मान निकालना है, N का मान निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, डायरेक्ट काटते हैं 25, 25 एकम 25, तो कितने बार में कटा 10, तो 25 दुना 50, तो N का मान कितना आ जाएगा, 50, 50 आ गया N का आंसर। तो इतना जो है बल्ब जल सकते हैं, यानी 50 बल्ब जल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है,
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एसआई पद्धति में बताइए। एसआई पद्धति में बताना है तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आपको बढ़िया से याद कर लेने, चुंबक के क्षेत्र को बी से डिनोट करते हैं। अगर आपको ये बढ़िया से याद हो जाता है तो कहीं नहीं जाता, आपका फ्री में नंबर मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चुंबक के फ्लक्स का क्या मात्रक होता है, तो वेबर होता है, वेबर होता है चुंबक के फ्लक्स का मात्रक। आपको दोनों का अंतर बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए और बढ़िया से नंबर ला सकते हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आपको मैं 20 क्वेश्चन इस प्रकार से करवा दूंगा पार्ट टू में, ताकि जो है कभी भी कोई से भी क्वेश्चन आ जाए, यानी कि अति लघु में, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने लिख लिया है लेंस का नियम किसे कहते हैं, या लेंस किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर में बदल दिया है, लेकिन क्वेश्चन आपका लेंस का नियम किसे कहते हैं। आप इसे ये ना समझे कि ये लेंस है, ये लेंस का नियम किसे कहते हैं। तो लेंस का नियम है, प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उसका विरोध करता है जिसके द्वारा स्वयं उत्पन्न हो जाता है, सदैव उसका विरोध करता है जिसके द्वारा स्वयं उत्पन्न हो जाता है। ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत हीटर बनाने के लिए किस तार का प्रयोग करना चाहिए। विद्युत हीटर बनाने के लिए किस तार का प्रयोग करना चाहिए, तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है। नाइक्रोम के तार का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विद्युत चालक एवं अचालक पदार्थों के दो दो उदाहरण दीजिए। तो हमने यहाँ लिख लिया है विद्युत चालक लोहा चांदी, यानी जिसमें चालक उत्पन्न हो जाता है, लोहा और चांदी, ठीक है। दूसरा है विद्युत अचालक रबर और प्लास्टिक। आपने देखा होगा जब भी आप लोहे को गर्म करेंगे हीटर पर डाल करके, तो उसमें विद्युत चालक चल जाता है, यानी मान लीजिए आपको करना नहीं है काम, बट आपको जैसे कहीं भी आग जलाते हैं, आग जलाने के बाद आपको क्या करना है, लकड़ी को भी डाल देंगे ना, या लोहे को डाल दीजिए आग में थोड़ी देर के लिए। जब लोहा यहाँ से गर्म होता है तो ऑटोमेटिक यहाँ तक गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, यानी धीरे धीरे करके यहाँ भी गर्म हो जाता है कुछ देर बाद ही, तो लोहा और चांदी हो गया। दूसरा है विद्युत अचालक यानी रबर और प्लास्टिक, कभी इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता है, ये प्लास्टिक चीज होता है इसी वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने इस प्रकार से लिखा है, यानी दूर दृष्टि दोष के लिए चश्मे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जा सकता है, यानी दूर दृष्टि दोष मैंने चैप्टर 1 में 2 में 3 में मैंने बता रखा है, तो आप उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हो, और आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, देखिए दूर दृष्टि दोष के लिए हमें किस चश्मों का प्रयोग करना चाहिए, तो यानी उत्तल लेंस के चश्मों का प्रयोग करना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार से आ जाता है, एक व्यक्ति में चश्मों में उत्तल लेंस लगा है, जैसे अब मैं इसका विपरीत हो गया, यानी इसका उल्टा, उत्तल लेंस लगा है, तो बताइए कि व्यक्ति की आंखों में कौन सा दोष होगा, तो दूर दृष्टि दोष होगा। तो आपको यहाँ तक मैंने 20 क्वेश्चन करवा दिया है, बेशक लॉन्ग वीडियो था, बट आपको जो है बढ़िया समझ में आ गया होगा। 20 क्वेश्चन मैंने वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट करवाया है, जो कि आपका जो है 6 नंबर पक्का आएगा, 6 नंबर जो है इसी क्वेश्चन में से पक्का 6 नंबर मिल जाएंगे, जो कि 101% की गारंटी मेरी है। आपको क्या करना है, याद कर लेनी सारी क्वेश्चन, आप किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठ जाइए, ये क्वेश्चन आता है। अगर पॉलिटेक्निक 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या आईटीआई करना चाहते हैं, तो कोई भी एग्जाम देते हैं ना, उसमें यही क्वेश्चन सब मिलेंगे। तो मैं इस प्रकार से क्वेश्चन लेके चलता हूँ, और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए और 12th के लिए भी, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये 100% ये गारंटी है, 101% की गारंटी है, ये क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगा फ्रेंड। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ, और इसी प्रकार से कल नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊंगा और आपको बढ़िया से वहां भी समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।